आप देख रहे हैं किरण देवास की न्यूज। देवास एक और जहां त्रिलोक नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था के सदस्य अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके मकानों की रजिस्ट्री नहीं हो रही है, वहीं दूसरी ओर सहकारिता विभाग के डी आर के समक्ष त्रिलोक नगर संस्था के सदस्य शिकायत लेकर जाते हैं तो उनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने का केस दर्ज करने का तुगलकी आदेश दिया जाता है। इसी आदेश के खिलाफ आक्रोशित होकर समस्त पीड़ित संस्था सदस्य मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचे और कलेक्टर को आवेदन दिया। सामाजिक कार्यकर्ता और नेशनल यूनिटी ग्रुप संस्थापक अनिल सिंह ठाकुर ने बताया कि विगत दिनों त्रिलोक नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मार्यदित के 9 सदस्यों के खिलाफ एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें बकाया राशि पर 18% ब्याज की रकम जोड़ दी गई। वही दूसरी ओर संस्था के तत्कालीन अध्यक्ष टी पी तिवारी द्वारा रिसेल में बेचे गए आवासीय मकान को बेचते समय भवन बिक्री अनुबंध किया था, जिसमें 50% राशि अग्रिम जमा करवाई गई। शेष राशि के लिए बोला गया था कि जब भी संस्था मकानों की रजिस्ट्री करवाई जाएगी उसके एक माह पूर्व आपको सूचना दे दी जाएगी, तभी शेष राशि 50% एक मुश्त जमा करनी होगी तथा बकाया राशि पर किसी भी प्रकार से अतिरिक्त ब्याज दर नहीं लगेगा। विगत दिनों सहकारिता विभाग के वरिष्ठ प्रशासक और सहकारी निरीक्षक मंजूता अग्रवाल द्वारा बिना अनुबंध देखे पूर्व अध्यक्ष टी पी तिवारी के साथ साठगांठ कर संस्था के 9 सदस्यों को लाखों रुपए ब्याज सहित राशि जोड़कर नोटिस जारी कर दिए। आपने कलेक्टर साहब से कहा तो साहब ने क्या कहा? बोले मैं इसकी देखता हूँ, जांच करता हूँ। कितने मकान है उस कॉलोनी के अंदर? 124 मकान। क्या कहना कालोना नजर का, क्या कहना कालोना नजर? कालोना नजर सिर्फ का यही कहना रहता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन पिछले 30 सालों से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है उसका। मैं सुना उसके FIR वगैरह भी हुई कालोना नजर के, इसके अलावा नहीं, उसकी कोई FIR नहीं करी है। अभी क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन मिला कि इसको खुद कलेक्टर साहब ने कहा है, मैं इस विषय पे देखता हूँ और फिर आपको बताता। आपका नाम बताए? नरेंद्र दांडे, तिलक नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था का सदस्य। अधिकारी जिसने जांच करवाई थी, जांच सदस्य टीम ने पूरी जो भी जांच की उसको घुमा दिया गया पूरी जांच में।